हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं निहारिका कुशवाहा, आरबी प्लस टू हाई स्कूल सांडी से। मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सहायक शिक्षिका हूं। बच्चों, जैसा कि आप मेरे पीछे इस बोर्ड में इस चित्र को देख पा रहे होंगे, तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोगैस संयंत्र। हम लोग आज जानेंगे कि ये बायोगैस संयंत्र काम कैसे करता है और ये हमारे लिए लाभदायक कैसे है, और यदि इसके कोई हानिकारक पक्ष हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले बच्चों कि ये पाठ ऊर्जा के स्रोत का एक टॉपिक है, तो इसके भी पहले मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस को बनाए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो ये टॉपिक को आपको समझ पाना और भी आसान होगा। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक परंपरागत है और एक गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत है। तो बच्चों, पहले हम लोग बायोगैस जो संयंत्र है उसकी संरचना के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि ये कर्दम है, ये गैस टंकी, ये गैस निर्गम, ये जो उर्वरक है, जो स्लरी है वो है, और ये निर्गम टैंक है जहां से खाद्य पदार्थ, जो खाद हम लोग का तैयार होगा उसका है, सो हम लोग निर्गम करेंगे, और ये संपाचित्र यानी कि डाइजेस्टर है। तो बच्चों, होता क्या है कि सबसे पहले ये जो डाइजेस्टर है, एक डाइजेस्टर या संपाचित्र होता है जिसके ऊपर एक गुंबद के आकार का एक टंकी बना हुआ होता है, गैस टंकी, जिससे जितने भी जो गैस है अपघटित होने के बाद वो इस पाइपलाइन से उसको निकाल दिया जाएगा, और इस पाइपलाइन को आप सीधे या तो चूल्हा या फिर कोई भी जनरेटर में आप डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। जनरेटर आपको विद्युत उत्पादन करके देगा और उस विद्युत से आप अपने घर में प्रकाश कर सकते हैं, और नहीं तो यदि जनरेटर आप यूज नहीं कर रहे तो उसका डायरेक्ट आप अपने घर के चूल्हों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उतना प्रेशराइज तो ये गैस नहीं रहता है लेकिन आपका खाना जरूर पक जाएगा, और जो इसमें जो ताप होता है वो उसका जो ऊष्मीय मान है वो भी उच्च होता है। और सबसे फायदे की बात तो ये है बच्चों कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे घर से जो कचरा है जिसका हम लोग जिसको ऐसे भी उसको उपयोगी नहीं मानते हैं, उसका ये महत्व बताता है कि कैसे उस कचरे को यदि हम लोग सही रूप से इस्तेमाल करें तो हम लोगों को ये खाना बनाने के लिए गैस की प्राप्ति होती है, और कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है बच्चों, ये गैस जो निकल रहा है उसका ये पाइपलाइन है, ये गुंबद आकार की गैस टंकी है, ये संपाचित्र यानी डाइजेस्टर, यानी कि जितना भी कचरा है वो बह करके यहीं पर आकर के जमा हो रहा है। तो ये कर्दम है बच्चों, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जितने भी जो कचरा है, यानी कि कचरा में क्या आ जा रहा है बच्चों, तो कचरा में आ जा रहा है, सॉरी बच्चों, ये कचरा है तो कचरा में क्या आ जा रहा है, तो पत्ते, गिरे हुए झड़े हुए पत्ते, सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो, और मल, और जंतु के मल, ये हम लोग ये सभी को इस्तेमाल करके हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, तो कर्दम में डाल रहे हैं। और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, तो इसको पानी में मिला करके डालना है, तो इसका जो अनुपात है, जो कचरा है वो 1:1 का होना चाहिए, यानी कि 1 किलो यदि कि जंतु का मल, यानी कि गोबर या पत्ते या घर के किचन से निकले हुए सब्जी के छिलके अगर हम लोग डाल रहे हैं तो उसमें 1 लीटर पानी भी होना चाहिए, और इसको जब हम लोग यहाँ से बहाते हैं तो ये आकर के डाइजेस्टर में जमा हो जाता है, और इस तरह से इसका बच्चों याद रखिएगा कि अवायवीय अपघटन कराया जाता है, यानी कि वायु के अनुपस्थिति में, वायु नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसका जो अपघटन है वो कराया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और बच्चों, यहाँ पर आपको टेम्परेचर का भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो जो सूक्ष्म जीव इसका अपघटन करा रहे हैं वो सूक्ष्म जीव ही नष्ट हो जाएंगे, फिर आपका अपघटन ठीक से नहीं होगा और गैस का निष्कासन भी नहीं होगा। इसीलिए 38 डिग्री से 40 डिग्री तक हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, तभी इसका अवायवीय अपघटन शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये कर्दम है, कर्दम में किचन से निकला हुआ यानी आपके रसोई घर से निकला हुआ छिलका, उसके अलावे जंतु का मल, झड़े हुए पत्ते जो सड़ गल सकते हैं, है ना, हम लोगों को इसमें कैस किस प्रकार का कचरा डालना है जो सड़ गल सकते हैं, जिसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जिसका निम्नीकरण हो सके सूक्ष्म जीवों द्वारा,
है ना। तो वैसे कचड़ों को हम लोग 1:1 यानी कि पानी मिला करके, यदि कचड़ा एक केजी है तो उसके साथ हम लोग 1 लीटर पानी मिला करके और इसको हम लोग क्या करेंगे कि करदम के माध्यम से डाइजेस्टर में ला करके जमा कर देंगे। और ये जिस तरह से गुंबद आकार का जो टंकी आपको दिख रहा है, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है तो अवायवीय अपघटन शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ ना वायु ना ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है जिससे गैस बनना शुरू हो जाता है, जिसमें मीथेन गैस की प्रचुरता होती है, मीथेन गैस की प्रचुरता होती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि बायोगैस में कौन सा जो गैस है उसकी प्रचुरता होती है, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि मीथेन गैस उसमें सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब भी कुछ गैसें हैं, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी गैसें मिक्स होती है, लेकिन उसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो अभी भी ये जो स्लरी बचा है यानी कि गैस बनने के बाद भी जो अपशिष्ट पदार्थ बच रहा है, इसका भी उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच होता है, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है। यदि ये उर्वरक भी आपके खेतों में क्या करता है तो फसल की उत्पादन क्षमता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है बच्चों। तो ये था बायोगैस संयंत्र। बच्चों तो आइए हम देखते हैं बायोगैस के क्या लाभ हैं, है ना। बायोगैस आज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों बन गया है कि आज हम लोग उसके बारे में इतना डिटेल से जान रहे हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बायोगैस के लाभ क्या क्या हैं। बच्चों कचरा का निपटारा करना आज बहुत ही बड़ा समस्या बन गया है हमारे सोसाइटी में कि फेंके कहाँ, यहाँ तक कि जगह भी नहीं मिल पाता है कि कचरा को कहाँ फेंका जाए, है ना। और क्या होता है कि लोग जानकारी के अभाव में सारे कचड़े जो जैव निम्नीकरणीय है और जैव निम्नीकरणीय यानी कि जो सड़ गल सकता है और जो कभी नहीं सड़ गल सकता है उसको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, और वो कचड़ा धरती में बहुत दिन तक पड़ा हुआ रह जाता है, ठीक से वो उसका डिकम्पोजिशन यानी अपघटन नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हम अपना थोड़ा सा जो दिमाग लगाएं और थोड़ा सा हम अगर सचेत हो जाएं तो कचड़े का अच्छे से बेहतर तरीके से निपटारा हो सकता है। जो कचड़ा सरगल नहीं सकता है उसका हम लोग क्या करेंगे, रीयूज करेंगे या फिर उसका कोई भी नया उसका उपाय करेंगे उसको फिर से उसको उपयोग करने के लिए, है ना। तो ये तो एक अलग सी बात है। उसके अलावे जो कचरा सड़ गल सकता है उसको हम लोग सीधे फेंक करके जो हम लोग छोड़ देते हैं, यदि हम लोग देखें तो उसका इस्तेमाल करके हम लोगों को गैस की भी प्राप्ति हो सकती है और बहुत ही अच्छा एक खाद भी हम लोग को प्राप्त हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो 7वां पॉइंट लिखा है कि अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का ये सुरक्षित उपाय है, यानी कि किचन से निकला हुआ जो सब्जी है, सब्जी का जो छिलका है, उसके अलावे जो जंतुओं का मल मूत्र है, उसके अलावे जो सड़े गले पत्ते हैं जो हम डेली बेसिस में जमा हो जाते हैं, यदि हम लोग उसको पानी के साथ डाइजेस्टर में डाल रहे हैं तो हम लोगों को बहुत ही उत्तम क्वालिटी का एक तो गैस भी मिल रहा है और साथ में खाद की भी प्राप्ति हो रही है। तो ये क्या है कि अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा तो हो ही रहा है। अब ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें, और ये बहुत ही अच्छा उत्तम ईंधन भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि गैस निकल रहा है और वो फिर यूज के लायक नहीं है, जी नहीं, ये बहुत ही अच्छा ईंधन है। इसमें 75% तक क्या है तो मीथेन गैस होती है। बच्चों ये आप याद भी रखिएगा, सबसे पहली बात कि बायोगैस में मीथेन गैस होता है, ये आप जरूर से जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। अब ये जो गैस निकला अगर इसको हम लोग कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें से धुआं नहीं निकलेगा। तो ये देखिए पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ही अच्छा हो गया कि चलो धुआं नहीं निकल रहा है, हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है बोल रहा है कि जलने के पश्चात लकड़ी या कोयला की तरह राख नहीं छोड़ रहा है ना। एक समस्या है कि चलो कोयला या लकड़ी जलाया उसके बाद बहुत सारा राख जमा हो गया, गंदगी भी फैल गया, तो ये प्रॉब्लम ये समस्या नहीं है, सीधे गैस जल रहा है और आप बस ऑफ कर रहे हैं और इसमें कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकल रहा है ना। तो अब है कि तापन क्षमता भी उच्च होता है, तो इसका जो
तापन क्षमता यानी कि जो उष्मीय मान है वो भी उच्च होता है, जो एक आदर्श ईंधन का एक गुण है कि हाँ अगर कोई भी आदर्श ईंधन जो उष्मीय मान उच्च देता है, आपका खाना बहुत ही अच्छे से पक रहा है, तो समझिए कि वो एक अच्छा क्वालिटी का ईंधन है। तो क्या बोल रहे हैं कि तापन क्षमता भी उच्च होता है, प्रकाश के स्रोत में उपयोग किया जाता है। तो देखिए अब जो गैस निकल रहा था उसको अगर हम लोग जनरेटर से जोड़ते हैं तो आपके घर में कुकिंग तो हो ही रहा है, कुकिंग के साथ में यदि एक और अल्टरनेट आपके पास एक और ऑप्शन है कि इस गैस से आप अपने घर में प्रकाश भी ला सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है बच्चों। और जो स्लरी, अब देखिए इसमें जो खाद्य, अब लास्ट में आपने देखा कि अपघटन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो पानी के डाइजेस्ट होने के बाद जो स्लरी बचा, तो उस स्लरी का भी इस्तेमाल हम लोग उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि कचड़े का पूर्ण रूप से निपटान हो गया और साथ में आपने उसका दोबारा इस्तेमाल भी कर लिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है बच्चों कि बायोगैस जो संयंत्र है ये उसके लाभ थे कि सीधे कचड़ा से प्रकाश और ईंधन दो चीजों की प्राप्ति हो रही है। तो बच्चों ये आज के वीडियो में इतना ही था बायोगैस संयंत्र के बारे में। धन्यवाद।